हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंचूर शाहपुर इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्व के हिंदी व्याकरण जैसे कि वर्ण विचार शब्द विचार वाक्य विचार पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब बतलाने जा रहा हूँ आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर है ट्वेल्व क्लास का टेस्ट लिया गया था तीन व्याकरण जिनमें से वर्ण विचार शब्द विचार वाक्य विचार पर आधारित क्वेश्चन थे तो मैं इस वीडियो में सभी प्रश्नों को समझा कर आंसर बतला रहा हूं। आप लोग गौर से सुनिएगा ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बेहद ही अनिवार्य प्रश्न है अतः आप गौर से सुनिएगा और उसके बाद इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी इन जानकारियों को लेकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें चलिए गाइस तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग को समझाए थे ना प वर्ग ओस्ट होता है प फ ये सब क्या होता है ओस्ट होता है तो प का उच्चारण स्थान क्या है ओस्ट तो पहला का आंसर होगा बी दूसरा हिंदी में कुल कितने हर्स्व स्वर हैं तो हिंदी में कुल कितने हर्ष स्वर हैं चार कौन कौन होते हैं अ हरष्व ई और री ये चार होते हैं तो हिंदी में कुल कितने हर्ष स्वर होते हैं चार चलिए अगला ह कैसा व्यंजन वर्ण है तो ह कैसा व्यंजन वर्ण है उसमें व्यंजन वर्ण उसमें व्यंजन वर्ण कितने होते हैं चार तलाव्य स मूर्धन्य स दंत स ह तो ह कैसा व्यंजन वर्ण है उसमें व्यंजन वर्ण तो तीसरा का आंसर होगा बी चौथा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं चार तत्सम तद्भव देशज विदेशज और रूपांत और रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हो जाएंगे तीन रूढ़ यौगिक योग रूढ़ तो ये सब आप याद करिएगा ओके okay? और रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हो जाएंगे दो विकारी और अविकारी ओके okay चलिए तो ये बेनिफिट्स है कि मैं एक एक क्वेश्चन पर डिपेंडेंट और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा चलिए अगला पांचवा ये तो बहुत आसान सवाल है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कपूर उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा शब्द है यानी तत्सम तद्भव देशज विदेश में से क्या है तो कर्पूर क्या है तद्भव है ना तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं तो मूल शब्द क्या है कर्पूर अभी जब आरती करते होंगे भगवान की तो कर्पूर गौरम करुणावतारम ऐसे बोलते होंगे तो कर्पूर मूल शब्द है वो तत्सम है और कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप कपूर है जो कि तद्भव है तो पाँचवा का सही आंसर होगा डी छठवा गवाह उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा शब्द है तो गवाह उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा शब्द है विदेशज समझ गए ना गवाह कैसा शब्द है विदेश चलिए अगला दशानन रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है तो दशानन किसे कहते हैं रावण को कहते हैं दश है आनंद जिसके व यानी जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है यानी वैसा यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है योग रूढ़ तो इसका सही जवाब होगा सी आठवा किसी भी भाषा का निर्माण खाली स्थान से होता है तो किसी भी भाषा का निर्माण शब्दों से होता है तो आठवा का सही जवाब होगा ए ओके चलिए अब नाइन नंबर क्वेश्चन देखा जाए नाइन ये तो बेहद आसान है ना नाइन नंबर क्वेश्चन बेहद आसान है इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा नाइन नंबर क्वेश्चन को वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो कोई कोई स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे ग्यारह मार देंगे अरे व्यंजन वर्ण पूछा जा रहा है स्वर वर्ण नहीं तो वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है इसका सही जवाब होगा तैतीस बी होगा नाइन का सही जवाब हो जवाब होगा बी और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ग्यारह तो तैंतीस और ग्यारह कितना हुआ चौवालीस तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी चौवालीस ओके चलिए दसवा अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कुल कितने भेद होते हैं तो आठ होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद हो जाएंगे आठ तो इसका सही जवाब होगा ए दसवा का सही जवाब होगा ए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं आठ याद रहेगा ना और रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं तीन कौन कौन होते हैं सरल वाक्य मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य ओके चलिए ग्यारह नंबर वह पढ़ेगा तो सफल होगा यह कैसा वाक्य है यानी वह पढ़ेगा तो सफल होगा एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है तो डिपेंड है तो यह कौन सा वाक्य होगा मिश्र वाक्य तो ग्यारह का सही जवाब होगा सी बारह वह क्या दृश्य है या कैसा वाक्य है तो वाह लग गया है तो, तो बारह का सही आंसर डी होगा कैसा वर्ण है देख इसके नाम में ही आंसर है तेरह का हर्श्व ई कैसा वर्ण है तो हर्ष्व ई कैसा वर्ण है हरश्व है नाम में ही आंसर है हरष स्वर है ई कैसा वर्ण है स्वर है स्वर वर्ण होते हैं ना ग्यारह उसी में न तो क्या होगा स्वर होगा चलिए तो तेरह का आंसर क्या होगा ए चौदह ज कैसी ध्वनि है हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कैसी ध्वनि है तो ज तो इसका आंसर हो जाएगा ज कैसी ध्वनि है इसका होगा घोष ज कैसी ध्वनि है घोष ध्वनि है ओके चारों को लिखवाए तेना ध्वनि के भेद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण तो पहला तीसरा पांचवा ये घोष में आता है तो च, छ ज तीसरा आ गया ना तो घोष है ज कैसी ध्वनि है घोष है तो चौदह का आंसर होगा ए पंद्रह जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं प्लुत कहते हैं तो पंद्रह का आंसर होगा सी अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या होती है तो पाँच होती है अनुनासिक का दूसरा नाम क्या है पंचमाक्षर भी है कौन कौन होता है अंग न म तो अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितनी है पाँच तो सोलह का आंसर होगा बी सत्रह सप्तरसी कैसा शब्द है तो सप्तर्षि का संधि विच्छेद करिएगा तो सप्त जोड़ ऋषि सप्त मतलब सात ऋषि मतलब ऋषि यानी मीनिंग निकाल दे रहा है ना तो सप्तर्षि कैसा शब्द है तो सप्तर्षि कैसा शब्द है बताइए आप ही लोग तो इसका आंसर होगा बी यौगिक शब्द है क्योंकि दोनों खंडों का अर्थ निकल जा रहा है सप्त मतलब सात ऋषि मतलब ऋषि अठारह पगड़ी कैसा शब्द है तो पगड़ी देश शब्द है अपने देश का शब्द है तो इसका आंसर होगा सी उन्नीस मैंने तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दिया होगा यह कैसा वाक्य है तो मैंने तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दिया होगा संदेह प्रकट कर रहा है ना हंड्रेड परसेंट कन्फर्म थोड़ी ना है दिया होगा संदेह प्रकट कर रहा है तो उन्नीस का सही जवाब होगा ए और लास्ट बीस शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र पढ़ रहे हैं यह कैसा वाक्य है तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र पढ़ रहे हैं दोनों वाक्य है शिक्षक पढ़ा रहे हैं छात्र पढ़ रहे हैं और दोनों वाक्य किससे जुड़ा है और से और और से जुड़ने वाला वाक्य क्या कहलाता है संयुक्त वाक्य कहलाता है तो लास्ट बीसवा क्वेश्चन का बीस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ओके बीस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी समझ गए ना गाइस इस प्रकार मैं ट्वेंटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया आशा करता हूँ इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मालूम चल गया है आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए क्वेश्चन पेपर में और मिलाने के बाद फिर इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट्स पहुंचे सबको लाभ पहुंचे और यदि तक आप यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो कर भी लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ओके धन्यवाद बाय फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ